प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। तो आज की जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो बहादुर बेटियां। एक तरफ आप देखेंगे पत्रकार अंबर जैदी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी, और ये दोनों मिलके पाकिस्तान की जम के दुलाई करेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अब तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो अभी हम लोगों ने बहुत सारे हिंदू जो जा रहे थे माता वैष्णो देवी जी की पूजा करने के लिए, श्रद्धालु जो जा रहे थे और वहां पर जो उनकी मृत्यु हो गई, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्रिएट की जा रही हैं और वो हमारे आस्तीन के सांप के मदद से किया जा रहा है, ताकि जो पीओके में जो लोग बहुत पॉजिटिवली अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट से, वो डरे कि देखो अभी भी कश्मीर में तो वही हो रहा है, अभी भी तो जिहादी एक्टिविटीज हो ही रही है, और माहौल को इतना ज्यादा नेगेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कोई और नहीं कर रहा है, जिस तरह से पहले यासिन मलिक और लश्कर ए तैयबा ने किया, उसी तरीके से अभी भी हमारे आस्तीन का सांप ही ये सारी चीजें कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि नए कानून में जो 113 टेरर एक्ट आया है उसके तहत मुझे लगता है कि अब्दुल्ला परिवार के लोगों को इन्वेस्टिगेशन के तहत अरेस्ट करना चाहिए, मैं ऐसा सोचती हूँ। आखिर सारे हिंदू मर गए, पर उमर अब्दुल्ला की बीवी तो हिंदू थी, उसका तो नरसंहार नहीं हुआ, उसका तो बलात्कार नहीं हुआ, उसको तो जिंदा दफन नहीं किया गया, वो तो सेफ रही, सिक्योर रही, ऐसा क्यों सारे हिंदुओं को खत्म कर दिया गया, लेकिन उमर अब्दुल्ला की बीवी हिंदू थी वो खत्म नहीं हुई, उसका तो रेप भी नहीं हुआ, मोलेस्टेशन भी नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आस्तीन के सांप को पकड़ करके पहले इन्वेस्टिगेशन में बैठाना जरूरी है और तब जा करके पीओके को वापस लेकर के अखंड भारत बनाना भी जरूरी है। एब्सोल्युटली, क्योंकि पीओके भारत का एक अभिन्न अंग है और जिस तरह से भारत की तो हमेशा मांग रही है, और भारत हमेशा चाहे संसद की बात हो या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कोई भी पटल हो, इस बात को कहने से कभी पीछे नहीं हटाए कि भारत का अभिन्न अंग है पीओजेके और हम उसको वापस लेकर रहेंगे। लेकिन जिस तरह से पीओजेके में आंदोलन और अपनी आजादी को लेकर जो मांग छिड़ी है, ये पाकिस्तान के गले उतर नहीं रही है, और उस आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान हर भरसक प्रयास कर रहा है कि उस आंदोलन को दबाया जा सके। लेकिन सिर्फ ये जो नेशनल मूवमेंट चल रहे हैं ये सिर्फ पीओजेके तक भी सीमित नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, सिंध की बात की जाए, और इंक्लूडिंग पीओजे के चारों तरफ से पाकिस्तान के नाक में दम किया हुआ है नेशनल मूवमेंट से। आपको क्या लगता है, जिस क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है, ऐसे में जो नेशनल मूवमेंट्स हैं एकदम थर्ड थ्री फ्रंट हमने देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये सब क्रिएट हो चुका है, तीन फ्रंट क्रिएट हो चुके हैं, ऐसे में पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा या इस स्थिति को कंट्रोल करना? नहीं, पाकिस्तान की सरकार, उनकी एस्टैब्लिशमेंट, उनकी आर्मीज को ये बात समझ में आ चुकी है कि जिस हिसाब से महरम बलोच ने जो प्रदर्शन किया था और पाकिस्तान की आर्मी ने और एस्टैब्लिशमेंट ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार भी किया, पर वो पीछे बैकफुट पे नहीं आई। उसके बाद फिर आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की, तो वहां पर भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, पीओजेके में भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर पंजाब का जो सियालकोट का हिस्सा आ रहा है, वहां से जो आवाजें उठनी स्टार्ट हो चुकी है, वहां भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, सिंध में भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में जो पाकिस्तान के कराची और बाकी जो स्टेट है जो बहुत खूबसूरत बनाए गए हैं और सारा खर्च उस पर किया गया है, वहां के फंड को उठा करके पीओजेके में लगाने की कोशिश भी की जा रही है, वहां की कुछ चीजों को, गड्ढों को भरने की भी कोशिश की जा रही है, वहां के हॉस्पिटल को थोड़ा ठीक करने की भी कोशिश की जा रही है, इवन कुछ फंड का अनाउंसमेंट भी उन्होंने किया है कि हम दे रहे हैं, और काम तो हल्का फुल्का स्टार्ट भी किया गया है पीओजेके में, ताकि उनकी जो आवाज है वो शांत हो जाए। पर कहते हैं ना कि जब हम सामने में देख रहे हैं कि एक बंगलो है बहुत लाविश और बहुत खूबसूरत और उसमें हम रह सकते हैं, तो फिर झोपड़े में बत्ती लगा करके हम क्यों रहे भाई? तो वो चीज उनको समझ में आ चुका है। अब महरम को देखिएगा आप अंबर, के महरम आने वाले वक्त में
पाकिस्तान के सरकार और आर्मी के लिए हलक की हड्डी बनने वाली है, ये आप देख लीजिएगा। क्योंकि महरम एक तो पढ़ी लिखी है और पढ़ी लिखी औरतों को मुस्लिम मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। महरम के जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, महरम के जितने भी कंप्लेन होते हैं, वो बहुत अप्रोप्रिएट और स्पेसिफिक होते हैं। और ऑल दोज कंप्लेन, ये सारे कंप्लेन जो है वो एबनॉक्शियस हो जाते हैं पाकिस्तान की सरकार के लिए और आर्मी के लिए, नागवार हो जाते हैं कि ये जो कह रही है इसमें तो पूरी की पूरी सच्चाई है, हम इसको झूठा बनाए तो बनाए कैसे। सो आई थिंक कि आने वाले वक्त में, ज्यादा नहीं 3-4 महीने में, आप देखिएगा कि पाकिस्तान की सरकार अपने आप में इतनी उलझ जाएगी और अपने ही मुद्दों में इतनी उलझ जाएगी कि उनके नाक के नीचे से पीओजे के निकल जाएगा और उनको समझ नहीं आएगा। और ये 54-58 चुटकुंजिया जो टेररिस्ट को ये भगा रहे हैं, जेल से तोड़वा रहे हैं, ये कुछ ना कर पाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में जो पुरुष हम लोग हमेशा रील्स में देखते हैं अंबर के, अरे आ जाए आर्मी, हमारे पास अल्लाह है, तो ये जो है ना, ये इनकी इनकी सुबह औरत से शुरू होती है और इनकी इनका इनकी रात औरत पे खत्म हो जाती है। पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामिक देश है जहां पर सबसे ज्यादा पॉर्न मूवीज देखी जाती है। पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामिक देश है जहां पर आज भी घरों के नीचे कोठा और चकला, कोठा वाला और तवायफ खाना वाला जगह बनाया जाता है जानबूझ करके। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर लोग छोकड़ेबाजी और लौंडियाबाजी में ज्यादा रहते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामिक देश है जहां पर 1 मिलियन मुल्ला मौलवी बनाए जाते हैं पर कोई साइंटिस्ट या कोई एडुकेटेड आदमी उभर करके बाहर नहीं आता है, और जो पढ़ लेता है वो पाकिस्तान छोड़ देता है। सो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के जो की जो आवाम है वो पाकिस्तान की सरकार के की मदद कर पाएगी। वैसे सिनेरियो में कहीं पर भी मदद करने की कोई काबिल ही नहीं है, क्योंकि ये तो शुरू ही होते हैं इस्लाम में ये मना है, इस्लाम में वो मना है, औरत बाहर मत निकलो, औरत हंस मत दो, औरत लिपस्टिक मत लगा दो, औरत सवाल मत करो, इस्लाम को बोला है बस खाली सलवार खोल के खड़े हो जाओ। तो ये जो सेंटिमेंट है, ये अवाम सरकार की मजबूती नहीं बनने वाली है, ये उन पर बोझ बनने वाली है। तो आई थिंक कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो 5 तरफ से अटैक है पाकिस्तान की सरकार पे, ये पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाने का एक सिर्फ नॉक नॉक दस्तक अब तक। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं पीओजेके की जनता के से लेकर हम बलूचिस्तान तक, क्योंकि बलूचिस्तान में भी जो इन्होंने 2014 में ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब लॉन्च किया था अज़्मे इस्तेकाम की तरह, वैसे ही उस वक्त भी ह्यूमन राइट वायोलेशन बहुत ज़्यादा हुआ और आज तक जो बलोच गायब हैं कितने सारे हज़ारों की संख्या में, उनका कोई अता पता नहीं है। आज तक उनके घर के जो अपराध हैं वो इसी इंतजार में है कि शायद उनका कोई पता चलेगा। लेकिन जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उसका हवाला हमेशा पाकिस्तान देता रहता है कि कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, लेकिन जहां पर हो रहा है उस पर पाकिस्तान कभी बात नहीं करता, और जो पाकिस्तान के अलाइज हैं वो भी हमेशा चुप्पी साध कर रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि एक दिन पूरी दुनिया इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगी और जो नेशनल मोमेंट्स हैं उनको मजबूती मिलेगी। नाजिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का ये जो कहीं ना कहीं कहें कि एक नाकाम मंसूबा है उसको परास्त करना बहुत जरूरी है, और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसका संज्ञान ले और इस तरह के जो भी पाकिस्तान की हरकतें हैं उनको मुंहतोड़ जवाब मिले। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मोदी जी जवाब देने में पहचाने जाते हैं उसी तरह से जवाब पाकिस्तान को दिया जाए। मोदी जी का बहुत पसंद आया है जो उन्होंने कहा है कि जो जिस भाषा में बोलेगा उस भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। बस इसी पे फोकस करो भाई, बस इसी पे फोकस करो। मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह से पीओजेके से इस मोस्ट वांटेड आतंकी को भगाया है, साथ में और 18 लोगों को भगाया है, इस साजिश को समझते हैं। ऑफकोर्स हमारी इंटेलिजेंस है हमसे कहीं 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 ज्यादा, वो बहुत आगे रहते हैं, उनको सब पता होता है। पाकिस्तान को उसी की तरह जवाब दिया जाए ऐसा हम इंतजार और उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया, इसी के साथ धन्यवाद। नमस्कार।
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंबर जैदी जी और नाज़िला खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहाँ पे आपने देखा दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की जम के धुलाई की और भारत में रह रहे पाकिस्तानी प्रेमियों को भी एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके चैनल पर डाल चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में। पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।